नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। ये देखिए, मैं अभी करौंदा लेकर के आई हूँ और मिर्ची, तो इनका मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर करौंदा है 175 ग्राम करौंदा है और मिर्ची 150 ग्राम के करीब करीब है। तो मैं इनका अचार बनाऊँगी। तो मैंने अच्छे से इनको धो लिया है और अच्छे से जो ख़राब सा था उसको हटा दिया है और धो करके अच्छे से सुखा लिया है इसका पानी, और मिर्ची को भी अच्छे से धो करके रख लिया है। बिल्कुल भी पानी नहीं, आप देख सकते हैं। तो मैं करौंदे दो तरह के होते हैं, एक तो ये सफ़ेद और रेड कलर में होता है, एक ग्रीन और रेड कलर में होता है। तो मैंने ये वाली कलर लिया है। इसको इस तरह से काट लेंगे, ये देखिए इसके बीज जो हैं बिल्कुल खींचे हैं। यदि इस तरह से बीज होते हैं बीच में, यदि कड़े होते तो हम निकाल देते, लेकिन ये खींचे हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो इस तरह से हम काट लेंगे सभी करौंदों को, ये देखिए इस तरह से काट लेंगे। देखिए बिल्कुल खींचा सा बीज है। यदि पका हुआ होता, इसका बीज टाइट होता, तो हम निकाल देते, लेकिन ये बिल्कुल खींचा है तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे और सभी करौंदों को ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए इस करौंदे का बीज बिल्कुल पका हुआ है, ये तो इसका बीज थोड़ा सा टाइट होगा तो इसका हम निकाल दे रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके साथ भी यदि बीज कोई पका हो ऊपर से तो इसका बीज इस तरह से निकाल दे, बहुत आराम से निकल जाता है। इस तरह से आप चाकू से करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ये देखिए मैंने सभी करौंदों को काट लिया है। अब ये मिर्ची है तो मिर्ची की डंडियाँ मैंने निकाल दी है, क्योंकि डंडी जो रहता है उससे मिर्ची जल्दी सड़ जाता है, तो मैंने डंडियों को निकाल दिया है और अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया है। अब इसे भी काट लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, या तो फिर बीच से ऐसे चीरा लगा करके भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, और ज़्यादा लंबी है तो इसके दो टुकड़े भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं बीच से चीरा लगा देती हूँ और चीरा लगा करके दो टुकड़े कर दूँगी। थोड़ा लंबी है मिर्ची हमारी, इसी तरह से सारी मिर्ची को काट लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी और डाल देंगे, एक छोटी चम्मच और डाल देंगे। बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स करने से इसमें जो इसका जूस होगा वो बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा इसमें से। ये देखिए मैंने एक साफ जार लिया है, सूखा हुआ जार है ये, बिल्कुल अच्छे से धोकर मैंने अच्छे से सुखाया हुआ है इसे धूप में। तो इसी जार में मैं इसको रख दूँगी, सारा डाल दूँगी इसी में। ये देखिए मैंने सारे अचार को इसमें इस जार में मैंने डाल दिया है। अब इसे ढक्कन लगा करके अच्छी तरह से रख देंगे 24 घंटे के लिए, और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे इस तरह से, क्योंकि इसका जूस जो है ना, नमक की वजह से जूस इसका निकल जाएगा जो भी इसमें होगा। तो इस तरह से हिलाते रहेंगे ऊपर नीचे, फिर 24 घंटे के बाद मिलते हैं। करौंदे के अचार को, ये मिर्ची और करौंदा का अचार जो मैंने इसमें होटल में रखा था, तो इसको धूप में मैंने कल दिन भर रख दिया था। अब इसका पानी जो निकल गया जूस, ये देखिए, अब मैं छन्नी में रख देती हूँ ताकि इसका जितना भी पानी हो निकल जाए। मैंने हल्दी नमक डाल करके रखा था इसमें, इसी तरह से थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। उसके बाद इसको धूप में रख देंगे एक दो घंटे के लिए या पंखे के नीचे। देखिए इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब दो घंटे के लिए मैं पंखे के नीचे रख दूंगी, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैं मसाले वगैरह मिलाऊंगी इसमें। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, हमेशा साल भर आप रखेंगे तो साल भर चलेगा। अचार ख़त्म हो जाएगा पर ख़राब नहीं होगा ये अचार। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखा है गैस पे। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है, एक छोटी चम्मच मेथी दाना है। मैं अचार के लिए मसाले बना लेती हूँ, तो मैंने मेथी दाना ले लिया है।
दो छोटी चम्मच सौंफ है, ये मोटी वाली सौंफ है, इनको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, मॉइस्चर निकलने तक पकाना है इसे। एक छोटी चम्मच जीरा है, ये देखिए हमारा मसाला भून करके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पीली सरसों दो चम्मच भर के, इसे अब डालेंगे क्योंकि बहुत जल्दी भून जाता है। यदि अच्छी धूप हो तो आप धूप में भी सुखा करके मसाले को अच्छे से ले सकते हैं, पर अभी धूप अच्छी नहीं है इसलिए मैं कढ़ाई में इसको हल्का सा मॉइस्चर निकाल रही हूँ। मैं गैस बंद कर दी हूँ क्योंकि ये सरसों के दाने बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। हल्का सा कढ़ाई गर्म था उसी में हो गया। अब इन मसालों को थोड़ा ठंडा होने देंगे, गरम गरम नहीं पीसेंगे। ठंडा होने के बाद इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, मोटा मोटा सा। अचार में मोटे मसाले ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं अच्छे लगते। ये देखिए यहाँ पर मैंने तेल को गरम करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, हल्का सा गरम है, इसी में मैं डाल दूँगी। ये देखिए हींग है तो हींग डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म है इसीलिए मैं अभी डाल रही हूँ हींग को। मैंने देखिए MDH का हींग लिया है। यहाँ पर एक चम्मच मैं डाल दूंगी कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इसका स्वाद अच्छा आता है और तीखा नहीं होता है। हमने तीखी वाली मिर्ची डाली हुई है। अब इसे तेल में मिर्च को अच्छे से, मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं ये वाली जार में रखने वाली हूँ अचार, तो इस जार को अच्छे से धो करके बढ़िया से पानी में बॉईल करके और सुखाया हुआ अच्छे से, तो मैं इसी तेल से हल्का हल्का गुनगुना है तेल, तो मैं इसी तेल से थोड़ा थोड़ा कोट कर दूंगी। इसे ज़्यादा सेफ रहता है अचार, जल्दी ख़राब नहीं होता है, वैसे भी अचार ख़राब नहीं होगा। मैंने ये जो तेल लिया था, मैंने इस कप से आधा कप लिया था, आधा कप से ज़रा सा ज़्यादा था, और लेकर के अच्छे से गरम कर लिया धुआं तक उठने तक, उसके बाद गैस बंद करके हल्का हल्का सा गुनगुना कर लिया था। उसके बाद मैंने हींग डाला है और कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है, और यहाँ पर एक छोटी चम्मच मैंने अजवाइन और कलौंजी डाल रही हूँ, एक छोटी चम्मच, दोनों एक एक छोटी चम्मच है। इसे भी मिक्स कर देंगे, इसे स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसे डाइजेशन वगैरह अच्छा रहता है। अब ये जो अचार मैंने रखा था थाली में, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हवा लग गया है इसमें, तो बिल्कुल भी पानी वानी नहीं है इसमें, तो मैं डाल दूंगी इसमें, दूसरे प्लेट का भी डाल देंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है। मिर्च हमारी तीखी वाली थी तो ये तीखा अपने आप ही हो गया है। नमक हल्दी मैंने पहले अच्छे से डाला हुआ था, मैं थोड़ी सी नमक और डाल दूंगी, हल्दी की ज़रूरत नहीं है, हल्दी हमने पूरा डाला हुआ था। इसको सिर्फ अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाज़ार में जो मिलते हैं उसमें सिरका डाला रहता है, मैं सिरका नहीं डालूंगी। बिना सिरका का ही अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपका अचार पूरा खराब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, पर अचार ख़राब नहीं होगा। और ये जो मैंने पीस करके अचार के लिए जो मसाले बनाए थे ये भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस जार में मैं इसे डाल दूंगी। ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल बनकर के तैयार हो गया है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि तेल को मैंने गर्म कर दिया है, और वैसे 6-7 दिन के बाद आप खाएंगे तो बिल्कुल अच्छा सा स्वाद आएगा, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा, और देखिए देखने में भी कितना अच्छा है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। यदि इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके घर में बचेगा नहीं, सारे ख़त्म हो जाएंगे।
बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।